नक्सलियों के खिलाफ लगातार चल रहे सर्च अभियान की रणनीति और समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करने के लिए सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे लोहरदगा। बीएस कॉलेज स्टेडियम में चौपर से पहुंचे अधिकारियों का एसपी प्रियंका मीणा सहित लोहरदगा के अन्य पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों ने स्वागत किया। बता दें कि पिछले दिनों लोहरदगा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बुलबुल के जंगलों में 12 दिनों तक सीआरपीएफ झारखंड जगुआर जिला पुलिस के द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, जिसमें 10 लाख का इनामी नक्सली सहित अब तक 9 नक्सलियों को दबोचने में पुलिस ने सफलता पाई है। तो सुनिए आईजी अभियान अमोल होमकर ने क्या कहा। सभी जानते हैं और इसके बारे में एक विस्तृत रूप से 2 दिन पूर्व जो है रांची में मीडिया को ब्रीफ किया गया था और समय समय पर भी हम लोग ब्रीफ कर रहे थे। 8 तारीख से ये अभियान प्रारंभ किया गया था और खासकर जो रविंदर गंजू और उससे जो बाकी जो उसकी पूरी टीम है जो 30-35 की संख्या में बुलबुल और उसके आसपास के क्षेत्रों में जमा होने की आसूचना पर यह अभियान चालू किया गया था, जिसमें झारखंड जगुआर झारखंड पुलिस के लातेहार और लोहरदगा जिला बल सीआरपीएफ की कंपनीज और कोबरा की टीम इसमें शामिल थी। और मैं जैसा कि पूर्व में भी कहा है कि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइप का ऑपरेशन रहा है, क्योंकि ये 12 दिन का लगातार ये अभियान उस क्षेत्र में चलाया जा रहा था। और ख़ासकर जब हमारे फोर्सेस को इनिशियली नुकसान भी उठाना पड़ा, हमारे 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, कोबरा के जवान जो ऑपरेशन में थे जो बारूदी सुरंग के चपेट में आ गए, उसके बाद भी जवानों ने हौसला दिखाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ इस अभियान को जारी रखा, और जिसका परिणाम है कि इतनी बड़ी सफलता, हिस्टोरिक अचीवमेंट हम कहेंगे इसके लिए झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के लिए ये रही है, जिसमें कि एक इनामी नक्सली मुठभेड़ के क्रम में मारा गया, 9 नक्सली जो कि जिसमें कुख्यात जोनल कमांडर बलराम शामिल था और भी जो कोर दस्ते के सदस्य थे वो गिरफ्तार हुए, भारी मात्रा में हथियार गोला एमिनेशंस और बाकी सारा सामान बरामद हुआ। तो एक बहुत बड़ा ये रहा है और लोगों का भी एक कॉन्फिडेंस जगा है, खासकर क्योंकि ये आप जैसे जानते हैं कि पेशरा और बुलबुल इस क्षेत्र में वहाँ के ग्रामीण भी नक्सलियों से त्रस्त है, उनके द्वारा अपने आप को बचाने के लिए पूरे क्षेत्र में बारूदी सुरंग प्रेशर आईडीज लगा दिए हैं, आए दिन ग्रामीण जिसके चपेट में आ जाते हैं, उनके जानवर मरते हैं, तो पूरा क्षेत्र उनसे तबाह था और लोगों का भी हम लोगों को इसमें बहुत अच्छा सहभाग मिला है। जहाँ तक ऑपरेशन है, ऑपरेशन की कोई सीमा नहीं होती है कि कब शुरू हुआ कब ख़त्म, ये लगातार प्रक्रिया है। जब तक कि हम लोग अपना जो गोल है उसको अचीव नहीं करते और उस क्षेत्र को हम लोग इस नक्सलवाद की काली छाया से मुक्त नहीं करते, तब तक ये अभियान चलते रहेगा। अभी भी कुछ क्षेत्रों में जहाँ आसूचना है उसके आलोक में कार्रवाई चल रही है, फॉलो अप में कई सारे ऐसे लोग जो कि नक्सलियों के सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और हम जो हमारी आसूचना है कि कई सारे नक्सली जो है जंगलों में जंगल छोड़कर भागे हैं उनके खिलाफ भी छापामारी अभियान चल रहा है और जिसमें अभी भी लगातार पुलिस को सफलता प्राप्त हो रही है। और ये पूरी टीम है जिसमें झारखंड जगवार के हमारे टीम्स है, कोबरा की टीम्स है, सीआरपीएफ की टीम्स है और लातेहार और लोहरदगा जिला पुलिस की टीम है, दोनों जिलों के एसपी है, कमांडेंट साहब है, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इससे निश्चित रूप से जो नक्सल विरोधी अभियान है सभी का मनोबल बढ़ा है और एक नई ऊर्जा सबको प्राप्त हुई। सर, रांची में आपने कहा कि नक्सली सरेंडर करें नहीं तो मानने, पूर्व में भी ये हमेशा कहते आ रहा हूँ और ये झारखंड पुलिस की ओर से झारखंड सरकार की ओर से ये अपील हमेशा की जा रही है। झारखंड सरकार की एक बहुत ही अच्छी सरेंडर नीति है, उसका हम लोग हमेशा ये करते हैं कि जो भी नक्सली है जो समाज की मुख्य धारा से भटके हुए हैं वो अगर हिंसा का रास्ता छोड़ते हैं और मुख्य धारा में शामिल होते हैं तो हम उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे और उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है जो सरकार से दे जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से उसके लिए होगी। लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं और हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं
तो निश्चित रूप से उनके मान में घुसेंगे और उनके खिलाफ सारी कार्रवाई की जाएगी। सर, नक्सल ऑपरेशन चलाने की कार्रवाई की निश्चित रूप से, देखिए ये क्योंकि एक ऑपरेशन का पार्ट है, जो भी लोग नक्सलियों के सपोर्टर हैं उन्हें सप्लाई देते हैं, उन्हें खाना पीना देते हैं या अन्य तरीके से लेडी के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनको मदद करते हैं, तो ऐसे लोगों को पुलिस के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ आने वाले दिनों में जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है विधि सम्मत तौर पर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।